नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए फिर से एक नया प्लान लाया हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक छोटा सा प्लान है, अगर आपको प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह प्लान किसी न किसी के कुछ ना कुछ काम आए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार सब्सक्राइब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है वो अभी दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वह आप तक पहुंच जाए, क्योंकि लगभग हज़ारों प्लांस और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लांस और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक 25 फीट बाय 40 फीट का एक प्लान है, जिसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था और एक वीडियो बना रहे, जो यह प्लान हम शॉर्ट में समझाने वाले हैं। तो देखिए, प्लॉट का साइज़ आप समझ लीजिए, प्लॉट का साइज़ है 25 फीट हमारा विड्थ है और 40 फीट हमारा लेंथ है, ठीक है। और 25 फीट बाय 40 फीट का यह पूरा प्लॉट है, जिसमें देखेंगे तो एक लिविंग रूम है, एक दो बेडरूम है और किचन है और टॉयलेट बाथरूम भी है और स्टेयरकेस जो है अंदर से यूज़ किया है। देखिए, यह डुप्लेक्स हाउस प्लान भी है क्योंकि ये लिविंग रूम जो है, लिविंग रूम पे के अंदर से स्टेयर्स दिया है और ये इस गैलरी पर पहुँच के ये इस पोर्च पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बाहर जो बालकनी रहेगी या गैलरी रहेगी, जो भी ये पोर्च रहेगा, इस गैलरी पर पहुँच जाएंगे नीचे से यहाँ पर आने के बाद। और ये इस साइड में देखेंगे तो ये जो है ये रोड है, ये ईस्ट फेसिंग है, मतलब ये जो पूरब की दिशा है ये ईस्ट फेस है, ठीक है। और पीछे की साइड में देखेंगे दूसरों के प्लॉट है, इस साइड में दूसरों के प्लॉट है, इस साइड में दूसरों के प्लॉट है, लेकिन हमने लगभग चारों तरफ से कुछ ऑफसेट छोड़े हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 फीट 9 इंच का ऑफसेट छोड़ा है, यहाँ पे 2 फीट 9 इंच का ऑफसेट छोड़ा है और पीछे भी 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट छोड़ा है और इस साइड में भी लगभग 2 फीट 9 इंच का ऑफसेट छोड़ा है। लेकिन इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में रोड बताया गया है। अगर आपके प्लॉट में इस साइड में रोड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेंटिलेशन हमें पीछे से मिलेगा। और देखिए, यहाँ से हम रोड से जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे छोटा सा पार्किंग का एरिया है, तो यहाँ पे वरांडा भी दे सकते हैं और पार्किंग का एरिया भी दे सकते हैं। तो पार्किंग तो क्योंकि 25 फीट बाय 40 का है पूरा, उसमें दो बेडरूम एक लिविंग रूम एक किचन बिठा है, तो पार्किंग है 8 फीट ही पार्किंग है। अगर आप चाहें तो आपका प्लॉट अगर बड़ा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद में देखेंगे तो देखिए, इस वरांडे पर पहुँच रहे हैं, इस वरांडे पर आने के बाद लिविंग रूम में एंट्री कर रहे हैं। लिविंग रूम का साइज़ जो है 11 फीट बाय 15 फीट का है, मतलब 11 फीट बाय 15 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है। और इसको देखेंगे तो देखिए, स्टार्स जो है, हमारी स्टेयर्स जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर से इस गैलरी पर पहुँच जाएंगे, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर की ये जो गैलरी है ये देखेंगे तो यहाँ से होगी, जो हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो गैलरी है, इस गैलरी पर बाहर निकलेंगे और इसका जो स्लैब है, लिविंग रूम का स्लैब है, हम डबल फ्लोर पर डालेंगे, मतलब सेकंड फ्लोर का स्लैब जो रहेगा, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब जो रहेगा ऊपर का, वहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर इससे अगर पूरी आपकी लिविंग रूम की हाइट अगर 10 फीट है, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर का 10 फीट है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर का 10 फीट का हाइट है, तो पूरा इस लिविंग रूम का स्लैब हमें 22 फीट पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गैलरी का जो है, मतलब ये स्टेयर जो है हमारी 10 फीट पर पहुँच जाएगी और इस गैलरी पर यहाँ पे स्लैब रहेगा और ऊपर का स्लैब रहेगा, मतलब यहाँ पर जो भी खड़ा रहेगा इस गैलरी पर, तो वो नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सोफ़ा पर जो भी बैठने वाले हैं, जो हमारे गेस्ट वगैरह रहेंगे, तो यहाँ से हमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर जो रूम है, हम इस किचन को बेडरूम कर सकते हैं, इस बेडरूम को और इस बेडरूम को भी यूज़ कर सकते हैं और ये टॉयलेट बाथरूम सेम रख से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो देखिए, ग्राउंड फ्लोर में ये 11 फीट बाय 15 फीट का लिविंग रूम है, उसके बाद में हम टॉयलेट बाथरूम की तरफ पहुँच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक बाथरूम दिया गया है और यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है और उसकी सेम साइज़ भी दिया गया है, यहाँ पे साइज़ आप क्लियर देख सकते हैं। उसके बाद में किचन दिया गया है, किचन का साइज़ भी आप देख लीजिए और यहाँ पे दो विंडोज दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, एक बेडरूम दिया गया है यहाँ पे, जिसका साइज़ आप 10 फीट बाय 10 फीट का है, इसको दो विंडो दिए गए हैं इस साइड में और इस साइड में। और दूसरा जो मास्टर बेडरूम है, देखिए मास्टर बेडरूम का भी साइज़ 11 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का है, इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है और इसको वेंटिलेशन देखेंगे तो इस साइड में दिया गया है और इस साइड में भी दिया गया है और पीछे भी देखेंगे तो पीछे भी एक विंडो लगाई है। तो देखिए, इस टाइप में सिंपल सा 25 फीट बाय 40 फीट का, मतलब 1000 स्क्वायर फुट का यह पूरा प्लॉट था, जिसमें देखेंगे तो दो बेडरूम, एक हॉल, एक किचन एडजस्ट किया गया है और स्टेयर के जो है अंदर से यूज़ किया गया है। तो यह जो है डुप्लेक्स हाउस प्लान है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।